मैं फादर सोलिडागो हूँ, विकर जनरल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च आर्च डायसिस ऑफ कराची और डायसिसन डायरेक्टर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस। जैसा कि हमारे लॉयर साहब ने, खुर्रम इकबाल साहब ने बड़ी तफसील के साथ आज की अदालत जो हुई है उसका बयान किया है, और चूंकि हम इस वक्त तो फाइट कर रहे थे उसकी उम्र के हवाले से, और ऑनरेबल जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है जो कि उन्हें मेडिकल बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट मिली थी कि जी बच्ची की उम्र 14 साल है, तो मोर लेस हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 13+, तो वी कैन से शी इज 14, ओके, एज द कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ द मेडिकल बोर्ड। तो अभी जैसा खुर्रम साहब ने कहा कि अभी हमारी फाइट, बट शी स्टिल रिमेन्स माइनर, वो 18 साल की नहीं है। जब अगर पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके बाप का जो मजहब है वही उसकी औलाद का मजहब है। तो हमने अभी इस पे फाइट करनी है क्योंकि चर्च के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी माइनर अपना रिलीजन, जब वो माइनर है तो चेंज कर सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे कबूल कर सकता है। बहरहाल जो पाकिस्तान में भी अगर ये लॉ है कि जो बाप का मज़हब है वही उसके छोटे बच्चे जो 18 साल से कम है उनका भी वही मज़हब है, तो अभी हमने पटिशन लगानी, आज हमने लगानी थी, किसी वजह से ताखीर हो गई, लेकिन हम कैथलिक आर्च डायसिस ऑफ कराची और दीगर तमाम चर्चेस जो पाकिस्तान में हैं और पूरी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, नॉट ओनली कैथलिक्स बट ऑल इंटरनेशनल डिनोमिनेशंस, वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर स्टैंडिंग फॉर जस्टिस ऑफ आर्जू। हम जज साहबान का, अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बड़े ऑनरेबल और बड़े जस्टिफिकेशन के साथ बड़े इंसाफ को डिक्लेयर किया है, हम उन्हें शाबाश कहते हैं, और उम्मीद है कि आइंदा भी ना सिर्फ आरजू केस में बल्कि हर वो शख्स जो अदालत में इंसाफ के लिए आता है उसे सच्चा इंसाफ मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, मीडिया का भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम भाइयों का, इंटरनेशनल, लोकल, इलेक्ट्रॉनिक।